देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश भर में स्वतंत्रता के इस माह में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज पानसेमल नगर परिषद ने आज स्थानीय दुर्गा माता मंदिर से मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड पर खत्म हुई। बाइक रैली में भारत माता की जय और हर तिरंगा घर घर तिरंगा के नारे भी लगाए गए। इसके बाद नगर परिषद के कर्मचारियों ने यहां वृक्षारोपण भी किया और नगर में स्वच्छता और सुंदर बनाने का संदेश भी दिया। इस रैली में नगर परिषद पानसेमल के सीएमओ शिवजी आर्य, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि व वरिष्ठ भाजपा नेता लोकेश शुक्ला, उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, बबलू खोरी और नगर परिषद के पार्षदों के साथ समस्त कर्मचारी भी मौजूद थे। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। यात्रा और पौधारोपण भी किया गया, कितने लोग शामिल? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो संकल्प लिया है, उसे ध्यान में रखकर आज पानसेमल नगर परिषद में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक रैली का आयोजन किया गया, जन जागरण कह सकते हैं। और सबसे निवेदन किया है रैली के माध्यम से कि अपने अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। इसके लिए रैली निकाली गई थी और पानसेमल नगर में लगभग 3 से 3,500 परिवार रहते हैं, सभी घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा, इसको लेकर यह जन जागरण रैली निकाली गई थी। वृक्षारोपण अंकुर अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार का चल रहा है, उसे ध्यान में रखकर टिंचिंग ग्राउंड पर आज वृक्षारोपण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और जो वृक्ष लाए गए हैं, सप्तपर्णी के वृक्ष बुलाए हैं नगर परिषद पानसेमल ने, और उनकी उम्र 5 से 6 साल की है, उनकी हाइट भी हम देख रहे हैं 6 साढ़े 6 फीट के हैं। इसके अंकुर अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।